हरे कृष्णा, दिल की बातें सीधे उनके दिल से। सो हमारे सामने हैं तीन ऑब्जेक्ट, टैरो, ओरेकल एंड अनदर पार्ट ऑफ टैरो। हम तीनों यूज़ करने वाले हैं एंड फिर देखते हैं रीडिंग क्या आती है। ठीक है, सो चार चार कार्ड निकालेंगे हर एक से। रीडिंग ज़्यादा बड़ी नहीं होगी, छोटी रीडिंग हम रखेंगे। ठीक है, सिर्फ चार ही कार्ड निकालते हैं। सो दैट वी विल हैव अ वंडरफुल रीडिंग एंड इट विल बी लाइक गुड एंड फ्रेश न्यू स्टार्ट। ठीक है, मैं उसी के ऊपर ध्यान देना है। तो क्या चल रहा है उनके दिल में, उनके दिल में क्या चल रहा है। ठीक है, शायद से आपको मिस कर रहे हैं। देखो, चीज़ें होती है एंड इंसान को खालीपन भी महसूस होता है कई बार। एंड लाइक मतलब देखो ना, अभी जो हालत हो गई है देश की, शायद किसी ने सोचा नहीं होगा कि भाई वापस से ऐसा कुछ हो सकता है। हालांकि ब्रिटेन में सेकेंड वेव सितंबर में ही आ चुकी थी, फिर भी जैसे कि हमारे यहाँ पे, मेरे यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे बाकी सब कोविड सेंटर बंद कर दिए हैं, आना वापस से खोलने पड़े तो उनको समय लगा। सो ठीक बता रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हैं चार चार चार। अब इनको रखते हैं साइड में और अब देखते हैं कि रीडिंग क्या आती है। ओके, सो वी हैव ऑल दोज एस्पेक्ट्स इन फ्रंट ऑफ अस। ठीक है, हम उन्हीं का उपयोग करेंगे, देखते हैं रीडिंग क्या आती है। सबसे पहला जो कार्ड है वो है नाइन ऑफ सोर्ड्स वरी। ठीक है, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स विक्ट्री वाओ, एट ऑफ कप्स मेकिंग अ हार्ड चॉइस एंड टू ऑफ कप्स अट्रैक्शन। ठीक है, तो ये चारों कार्ड आपके सामने हैं, आई होप आपको क्लियरली दिख रहे हैं। तो क्या नज़ारा महसूस हो रहा है हमें इतनी ऊंचाई से। ओके, देखो कई बार ना फुलनेस होता है, मतलब किसी चीज़ का मतलब ही नहीं बनता। जैसे कि मेरे दोस्त को मैंने पूछा था, वो दुबई गया था तो वो चढ़ा था बुर्ज खलीफा। आपने गाना तो सुना होगा बुर्ज खलीफा। तो उसने कहा कि वो 125th या कितने फ्लोर तक गया था, और उसने जब वहाँ से नीचे देखा तो उसे कुछ ऐसा मतलब अजीब या गजब का महसूस नहीं हुआ। वो जस्ट भाई दैट्स इट, नथिंग एल्स, ऐसा कुछ स्पेशल नहीं था। सिमिलरली कई बार किसी जगह पर हम बस स्टक हो जाते हैं और हमें कुछ अजीब या कुछ बेहतर महसूस नहीं होता। तो अगर ऐसा है तो यहाँ पर देखते हैं। देखो, सबसे पहले जो बात है वो है नाइन ऑफ सॉर्ड्स, जहाँ पे है वरी। अब वरी करना ये शायद इस पर्सन की हैबिट बन चुकी है एंड कई बार वरी आती है। अब देखते हैं कि वरी क्यों आती है, बिकॉज सो मेनी थिंग्स आर हैपनिंग। कल ही मैंने वीडियो देखा, आई थिंक गुरुद्वारा था एक, एंड वहाँ पे उन्होंने बाहर ही यू नो सिलेंडर ऑक्सीजन के खड़े किए थे एंड लोग जो थे वो अपनी अपनी गाड़ियाँ लेके आ रहे थे, उनके पेशेंट्स थे एंड उनको उन्होंने जिनका ऑक्सीजन लेवल 35 तक गया था उनको 95 तक रेस करके भेज दिया घर पर। सो ये हो रहा है सड़कों पे। उन्होंने कहा कि हम खुद का ख्याल खुद रख रहे हैं, सो दैट इज़ हैपनिंग। तो वरी मतलब इंसान कई चीज़ों के बारे में वरी कर रहा है, पैसे हो सकते हैं, फ्यूचर हो सकते हैं, किसी की हेल्थ हो सकती है, यू नो कि मतलब आज आप किसी भी चीज़ के बारे में मतलब श्योर नहीं हो सकता। अभी कुछ मिनट पहले मैंने वीडियो देखा मुंबई के नाला सोपारा का, वहाँ की जो औरत थी वो बाहर निकली हुई थी, किसी को किसी के घर पे बर्तन मांजने को जाना है, किसी को खाना बनाने जाना है। उन्होंने कहा कि उनके हस्बैंड के काम चले गए हैं, अब वही अकेली हैं जो घर चलाती है, बट नाउ उनको अलाउड नहीं है ट्रेन में, तो वो कैसे पहुँचेगी इतना लॉन्ग डिस्टेंस। तो वरी है यहाँ पे। तो ये पर्सन जो है वो काफ़ी वरी कर रहा है। आई थिंक दिस इज़ द मोमेंट जो आपको इनको समझ के लेना होगा। देखो, अगर ये व्यक्ति चिंता में है, व्यथित है, पाइसिस, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, वर्गो, टॉरस, एरीज, सैजिटेरियस, समझिए इस व्यक्ति को। कई बार हम किसी बात को लेके टेंशन में आते हैं, ज़रूरी है टेंशन में आ जाना, लेकिन अगर उससे कुछ होने वाला है ही नहीं तो टेंशन का क्या फ़ायदा है ना। देखो, अगर ये ऐसी बात है कि लाइफ इज़ लाइक दैट ओनली, सो व्हाट विल यू डू, है ना। सो ये बात को समझिए आप। ठीक है, अगर वो वरी कर रहे हैं, कोई बात उनको अंदर से तकलीफ दे रही है, समझिए उस बात को, क्या बात है, वो ऐसा क्यों हो रहा है, क्या रीज़न है जो आपको बयां नहीं कर रहे हैं। हालांकि यहाँ पे सिक्स ऑफ वॉन्ड्स आ गया है जो कि है विक्ट्री। विक्ट्री यहाँ पे इसलिए आ चुकी है कि आई थिंक कहीं ना कहीं पे मेरे हिसाब से ये कार्ड एक्चुअली होता है खुशी का, लेकिन यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, इट्स लाइक ये अंदर से टूटा हुआ है, दिस पर्सन इज़ ब्रोकन अवे। सो जो उसके अंदर का दर्द था, दुख था, वो जीत गया है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं पर किसी ने इसको अगर दर्द दिया है, दुख दिया है, तो इसके दिल को बहुत हर्ट पहुंचा है, हानि पहुंची है। तो अगर आप इस व्यक्ति को वापस से मिलना चाहते हैं तो मे बी ये ऐसा नहीं मिल रहा है जैसा पहले था, मतलब बहुत ही खुश रहता था पहले, अभी इतना कुछ नहीं है। मतलब मायूसी छाई हुई है इस व्यक्ति के चेहरे के ऊपर, आप कितनी भी कोशिश कर रहे हैं लेकिन फिर भी ये मायूसी से बाहर नहीं आ रहा है। तो कुछ चीज़ें होती हैं जो हमारे आउट ऑफ कंट्रोल होते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी आउट ऑफ कंट्रोल है, एंड कुछ चीज़ें होती हैं जो हमारे कंट्रोल में होती हैं।
ठीक है। तो इसका मतलब है कि कहीं कहीं जगह पे हम कोशिश करके देख ज़रूर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर इस व्यक्ति के चेहरे के ऊपर मायूसी है, ये सैडनेस है, तो हटाइए इस चेहरे को, ओके, एंड लेट द पर्सन नो कि दुनिया कैसी है। आपको हर प्रकार के अनुभव आ जाएंगे, अच्छे बुरे, जो आपको खुशी देंगे, सैडनेस देंगे, लेकिन यही तो है ज़िंदगी, और कुछ नहीं है अलग, ठीक है। नेक्स्ट जो है यहाँ पे वो है एट ऑफ कप्स, जहाँ पे आपको दिख रहा है मेकिंग हार्ड चॉइस। तो क्या अलग है, देखो मेकिंग हार्ड चॉइस यहाँ पे इसलिए आता है क्योंकि आपको एक हार्ड चॉइस बनानी पड़ती है, और अगर आपके डेस्टिनी में लिखा हुआ है तो आप क्या करोगे, ओके। दिल्ली का मैं देख रहा था, TV9 के पत्रकार थे, आई थिंक दिल्ली या कहीं पर दिखा रहे थे, तो वहाँ पे एक फीमेल पर्सन आ गई थी। लास्ट ईयर उन्होंने अपने डैड को खो दिया था, एंड इस साल अपनी माँ को लेके आई थी। हर हॉस्पिटल में गई, उनको एडमिशन नहीं मिल रहा था, दिस वॉज द केस। तो कहीं ना कहीं पे आपको एक हार्ड चॉइस बनानी पड़ती है, यू नो। आई थिंक आप में से कुछ लोग हैं जो रिलेशनशिप के बहुत ही एंड पे खड़े हुए हैं, बहुत ही एंड, मतलब जो होता है ना, मान लीजिए सर्कल है तो या फिर ये अगर स्क्वायर है तो यहाँ पे एंड पे खड़े हुए हैं, थोड़ा सा और बाहर जाओगे रिलेशनशिप ख़त्म हो जाएगी। तो कई कई लोगों के शायद जहन में है कि रिलेशनशिप ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है, कई कई लोगों के हिसाब से रिलेशनशिप बच सकती है। तो कभी यू नो दिस इज़ द वे कि जहाँ पे आपको एक बहुत ही हार्ड चॉइस बनानी पड़ती है, यू नो मेकिंग हार्ड चॉइस, एंड आप बना भी सकते हैं, लेकिन जो चीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो है अंडरस्टैंड करना चीज़ों को, ओके, मेकिंग हार्ड चॉइस, यू कैन डू दैट। देखो अगर सामने वाला व्यक्ति आपको अंडरस्टैंड नहीं कर रहा या फिर अंडर एस्टिमेट कर रहा है, देखो आपकी भी वैल्यू है, ओके। मान लीजिए आप उनके बारे में सोचते हो, आप उनको यू नो चीयर अप करते, फिर भी अगर आपके ऊपर ही गुस्सा हो रहा है, आपसे खफा है, आपके फ़ोन कॉल नहीं उठाते, आपसे बात नहीं कर रहे, तो एक लिमिट होती है इंसान की। जब ये लिमिट टूटती है तो आप कहते हैं कि अब बस हो गया, यू नो, क्योंकि हम किसी के लिए हर समय अवेलेबल नहीं हैं। हर पर्सन की अपनी अपनी जर्नी है। अगर आप सबने गीता पढ़ी है या फिर अगर आपको फ़िलोसफी पता है, तो फ़िलोसफी ये कहती है कि हर एक व्यक्ति की मंजिल अलग होती है। हाँ, कई बार जब आप मंजिल की तरफ जा रहे होते हैं, कुछ साथी मिलते हैं, लेकिन फिर वो साथी छूट भी जाते हैं, है ना। लेकिन फिर आप कहते हैं कि हमें ऐसे व्यक्ति के साथ जीवन बिताना है जिनका मकसद एक हो, लेकिन मंजिलें फिर भी अलग अलग ही होती हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मेकिंग हार्ड चॉइस यहाँ पर आ रहा है, कहीं ना कहीं पर अगर आप इनसे कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रही है तो शायद थोड़ा सा समय ये निकाल सकते हैं, थोड़ा सा आपको हर्ट भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो कार्ड है वो है फाइनली 2 of Cups, अट्रैक्शन, ठीक है। अट्रैक्शन यहाँ पे इसलिए आ रहा है बिकॉज आई थिंक दिस पर्सन इज फाइनली एडमिटिंग हिज गिल्ट। अगर उन्होंने कुछ गलत किया है या फिर अपने में ही खोए हुए थे, तो फाइनली उनको पता चल सकता है कि भाई दिस वॉज माई रॉन्ग, ये मेरी गलती थी जिसकी वजह से ये सब हुआ, तो मैं बस चाहता हूँ कि ये गलती दोबारा ना हो, तो शायद वो आपकी तरफ वापस से आ सकते हैं, यू नो। सो अट्रैक्शन की फेज़ यहाँ पे है। लेकिन एक और चीज़ आपको बताता हूँ कि सिर्फ यहाँ पे फिज़िकल प्यार है इसलिए किसी से प्यार ना करें, ना ही आप किसी के बारे में ऐसा सोचें, क्योंकि फिज़िकल चीज़ें परमानेंट नहीं रहती, ओके। फिज़िकल अट्रैक्शन इज़ समथिंग विच इनिशिएट्स, लेकिन क्या ये फिज़िकल अट्रैक्शन हमेशा के लिए परमानेंट रहेगा, ये चीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये है तो समझिए, अट्रैक्शन जो होता है वो दिल की तरफ ही होना चाहिए कि आप कितने अच्छे हैं। एंड अगर आप मतलब मान लीजिए कि कोई है व्यक्ति एंड आप और वो शायद यू नो ज़्यादा फासला भी नहीं है, ओके, लेकिन आप मिल नहीं सकते बिकॉज ऑफ रिस्ट्रिक्शंस, तो कैसे मिस कर रहे हैं। मान लीजिए आप उन्हें मिस कर रहे हैं बिकॉज यू फील कि भाई आई नीड यू फिज़िकली, एंड वो मिस कर जाएगी, आपने हमेशा मेरा साथ दिया, सो आई मिस योर हार्ट, कितनी अलग बातें हैं। तो जो फिज़िकल अट्रैक्शन है वो कभी ना कभी तो टूटेगा, लेकिन दिल का अट्रैक्शन हमेशा बरकरार रहेगा। इसलिए हम कहते हैं कि पुराने दोस्त चाहे उनका साथ क्यों ना छूटा, हम कहते हैं कि हाँ वो मेरा दोस्त है या फिर मैं उसे काफ़ी मिस करता हूँ, क्यों, दिल से नाता है, ओके। तो इस बात को समझिए, ठीक है। ये थे टैरो के लिए, अब देखते हैं जो कि रिलेशनशिप के लिए, ओके। तो यहाँ पर आ चुके हैं कुछ कार्ड, ट्रस्ट इशू है यहाँ पर, कंटेम्प्ट है, ठीक है, एंड यहाँ पे है विड्रॉल एंड यहाँ पे है ट्रबल, ठीक है। तो मैं चारों की फीलिंग डायरेक्टली बताता हूँ, अलग अलग नहीं बता दूँगा, ठीक है। देखो कहीं ना कहीं पे ये बात यहाँ पे हो रही है कि आप इस पर्सन को ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहे एंड ये पर्सन अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर रहा है, यहाँ पे ट्रस्ट इशू आ रहा है, या फिर ऐसा हो रहा था कि कभी ना कभी आपने इनके ऊपर काफ़ी ट्रस्ट दिखाया था, काफ़ी ट्रस्ट, मतलब आपका फ़ोन नहीं उठा रहे हैं या फिर आपको लगा कि भाई
यू नो कि किसी के साथ है, किसी से बात कर रहे हैं, फिर भी आपने कहा कि चलो लेट गो, आई विल अंडरस्टैंड, मुझे अंडरस्टैंड करने दो, नो इशू। लेकिन फिर कुछ ऐसा हो गया कि ये समझने के परे हो गया, है ना। जैसे कि कुछ लोग होते हैं जो फ़ायदा उठाते हैं, एंड फिर क्या होता है, जैसे कि मेरा एक दोस्त था तो उसको काम दिया था एक बिल्डिंग की रखवाली करने का। आपको पता है कुछ लोग पैसा खाते हैं, वो भी पैसा खा रहा था। फाइनली वो इतना बढ़ गया कि उसको लोग वहाँ पे कहने लगे, मेन जो ऑफिस था, कि भाई तुझे कुछ करना है तो कर, लेकिन इतना भी मत कर। फाइनली उसे वहाँ से निकाल दिया। क्यों? क्योंकि एक चीज़ जो है वो उसके परे हो गई। आपने भी देखा होगा कि या तो आपके दोस्त के साथ या फिर आपके साथ ऐसा हुआ होगा कि आपने काफ़ी ट्रस्ट किया, लेकिन एक बार जब ये बहुत खींचता है, जिसके हम कहते हैं ना कि रबर खींचता है, तो फाइनली वो ब्रेक होता है। तो वैसे होता है यहाँ पे, ट्रबल आ चुकी हैं, विड्रॉल यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, एटलीस्ट आप में से शायद कुछ लोग जो हैं वो कुछ दिनों तक या कुछ हफ्तों तक उनसे बात नहीं करना चाहेंगे, जब तक कि वो अपने आप को ना सुधारें। देखो, आप उनसे प्यार मोहब्बत करते हैं ये इसलिए बिकॉज यू थिंक दैट ये पर्सन आपके लिए है, ओके, एंड आप उसके लिए काफ़ी कुछ करने के लिए रेडी हैं। लेकिन फिर भी अगर ये व्यक्ति आपसे बात नहीं कर रहा है, सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? एक बात बताता हूँ, ठीक है। मान लीजिए कि आपसे प्यार करते हैं, आपको लगता है कि मैं उनके लिए कुछ भी करूँगी या कुछ भी करूँगा, ठीक है, एंड आप कुछ भी करते हैं, किसी भी हद तक जाते हैं, फिर भी अगर वो आपकी तरफ नहीं आते तो क्या है ये? सो दिस मीन्स द पर्सन डजंट लव यू। ये सिर्फ एक अट्रैक्शन की फेज़ है, वो अट्रैक्शन में चले गए, आप दोनों साथ में थे, आपको प्यार हो गया, लेकिन वो अट्रैक्शन में ही है, एंड दिस वे द पर्सन गोज ऑन। ओके, तो ये बात होती है। इस बात को आपको अंडरस्टैंड करना होगा कि जैसे कि कुछ लोग होते हैं, जैसे एक मेरी मॉम के एक स्टूडेंट थे, ठीक है, 10th को उनको उनमें जोश जगा था, उन्होंने कहा कि मैं आर्मी ज्वाइन करूँगा, गए आर्मी में, लेकिन जोश ठंडा हो गया, कुछ दिन में वापस आया, कहा कि भाई मुझे इतना सख्त रूटीन फॉलो नहीं होगा। अट्रैक्शन अट्रैक्शन की लेवल पे ही रह गया, वो प्यार में तब्दील नहीं हुआ, ठीक है। अब ये हो गया रिगार्डिंग रिलेशनशिप का लेवल। अब देखते हैं नेक्स्ट टैरो से हमें क्या देखने को मिलता है। 4 of Wands है यहाँ पे, ओके। फिर सेकंड जो आ गया है वो है द हैंगमैन, वाओ, एक डेथ, वाओ, 2 आ गए हैं मेजर एंड 2 आ गए हैं माइनर, एक है सॉर्ड, एक है फोर, ओके, दोनों फोर ही हैं। देखो 4 of Swords, ओके, इफ़ यू कुड सी दैट, 4 of Swords भी हैं एंड 4 of Wands भी हैं, तो 4 नंबर यहाँ पे आ चुका है। 4 और 4 8 होते हैं, कहीं ना कहीं पे ये नंबर आपके लिए, आई मीन जस्ट लुक एट दैट, ये है एंड ये देखो, ये हैं 12 नंबर एंड ये है 13 नंबर। वाह, 1 by 1 चीज़ें आ गई हैं, मतलब आज का रीडिंग बहुत ही खास लग रहा है मुझे, ठीक है। देखो 4 of Wands एंड 4 of Swords अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये है कि प्रिपरेशन चल रही है, कम्युनिकेशन चल रही है, आपसे वो बात करे, आपके साथ बढ़े। मतलब देखो, मैरिज तक ये प्रपोजल जा सकता है, या फिर यू नो कि कहीं ना कहीं पे हो रहा है कि वी आर लाइक सोलमेट, बातें चल रही है कि हम अपना घर बनाएंगे, हमारी ज़िंदगी होगी, हमारी लाइफ होगी, लेकिन कहीं ना कहीं पे ये बस सोच में तब्दील हो रहा है। मतलब आप इतने पॉजिटिव हैं एंड आप कह रहे हैं कि वी कैन ओवरकम एनीथिंग, आपकी जॉब चले गई है, डोंट वरी, मैं जॉब करूँगी, मैं जॉब करता हूँ, हम पैसे कमाएंगे, आप बिजनेस कमा लो, मतलब यू आर सो मच पॉजिटिव। लेकिन फिर भी अगर ये व्यक्ति अचानक से आपका साथ छोड़ दे तो क्या होता है? ओके, सो जब वी मेट में एक सीन था कि आई थिंक शाहिद कपूर जो होता है वो करीना को यू नो मतलब करीना पहले शाहिद कपूर को सपोर्ट करती है, ठीक है, एंड उसको वहाँ से बाहर निकालती हैं, एंड फिर शाहिद कपूर करीना को लेट गो करता है कि उसे वहाँ पे जाना था, एंड फिर वो अपनी ज़िंदगी जीता है। तो उसके बाद उसको पता चलता है कि करीना कपूर को का ब्रेकअप हो गया एंड शी इज़ नाउ हर्ट, तो फिर उससे मिलता है। सो इट्स लाइक दैट, 4 of Wands कहीं ना कहीं चल रहा था, एंड अप हो गया है 4 of Swords, तो कहीं ना कहीं पर यह पर्सन जो है उसने बैक आउट किया है, उसने विड्रॉल किया है, जैसे हमने दिखा था कार्ड विड्रॉल, तो उसे यहाँ पर हो रहा है, दिस पर्सन इज़ नॉट कम्युनिकेटिंग एनी फर्दर। तो अगर आप इनके इनसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, इनसे बात करना चाहते हैं, तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन ये पर्सन जो है ये अचानक से बैकआउट कर रहे हैं, ये पर्सन आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं या बढ़ना नहीं चाहते, जो भी बात है। यहाँ पे अगर हम देख सकते हैं तो यहाँ पे है 2 कार्ड जो कि हैंगमैन एंड डेथ, ठीक है। हैंगमैन मतलब देखो, ये पर्सन बस झूल रहा है झूले पे, यू नो। देखो, आपने कई बार ऐसा देखा होगा, कुछ लोग कहते हैं कि हमारा अफेयर सालों से चल रहा है, अचानक से फिर अफेयर टूट जाता है, ये क्या है? द हैंगमैन, ओके। हैंगमैन का मतलब होता है कि कोई भी डिसीजन ना ले पाना,
हालांकि उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, आप कोई डिसीजन तक आ जाते हैं, ओके, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। देखो कौन सा डिसीजन आप कब लेते हो वो काफ़ी सारे चीज़ों के ऊपर डिपेंड होता है, एंड आपके लिए वो चीज़ें कितनी इंपॉर्टेंट है वो भी डिपेंडेंट है। जैसे कि मान लीजिए कोई किसी ऑफिस को इसलिए जाता है बिकॉज किसी को अच्छे पैसे मिलते हैं, कोई इसलिए जाता है क्योंकि ऑफिस बहुत ही नज़दीक है, कोई इसलिए जाता है क्योंकि उसको एक्सपीरियंस रहता है, कोई इसलिए जाता है कि शायद उसे वहाँ पर कोई चेक मिल जाए, ठीक है। यहाँ पर जो नेक्स्ट कार्ड है वो है डेथ, तो कहीं ना कहीं पर मेरे हिसाब से इसके यू नो ज़िंदगी में चेंजेस होने वाले हैं, एनो चेंजेस से गुजर रहा है, ठीक है। जैसे कि ऑल ऑफ अ सडन उसे अगर ज़िंदगी का एहसास हो चुका है, ज़िंदगी कितनी छोटी है एंड कुछ भी हो सकता है, आई मीन जस्ट इमेजिन, ओके। पिछले साल एक पत्रकार थे, उनको कोरोना हो गया एंड उनको समय पे बेड नहीं मिल रहा था, फाइनली उन्होंने प्रोटेस्ट किया, उनको बेड मिला, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। तो अगर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पर्सन जो मीडिया पर्सन है उसकी भी हालत अगर ऐसी है, सो व्हाट यू कैन थिंक अबाउट अ नॉर्मल पर्सन, ठीक है। तो मतलब ज़िंदगी में कुछ भी हो सकता है, कहीं भी कुछ भी हो सकता है, तो कहीं ना कहीं भी ये पर्सन जो है ये शायद काफ़ी सोच विचार कर रहे हैं, यू नो, एंड इसको मतलब समझ नहीं आ रहा कि मेरा एग्जैक्ट जो निर्णय होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, ओके। मतलब ये कोई भी निर्णय लेने से डर रहा है, अगर आप इसको सपोर्ट भी कर रहे हो फिर भी ये रेडी नहीं है, सो दैट इज़ हैपनिंग, ये बिल्कुल भी रेडी नहीं है। तो आपको इनको समय देना होगा, इनके ऊपर भरोसा करना होगा कि भाई ये क्या आखिर चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, क्या करने की कोशिश हो रही है इनकी, ठीक है। तो आपको इनके ऊपर कहीं ना कहीं पे थोड़ा सा सोचना होगा, देन यू कैन अंडरस्टैंड क्या हो रहा है, ठीक है। अब एंजेलिक मैसेजेस देखते हैं, सिर्फ दो ही मैसेज देखेंगे, ठीक है। चलो देखते हैं क्या आ रहा है इनके लिए और आप, ओके, मैसेजेस। चलो एक एंड दो मैसेज आ गए हैं। पहला जो कार्ड है वो है सपोर्टिव एंड सेकेंड जो कार्ड है वो है इमोशनल कार्ड। तो आपको इनके लिए सपोर्टिव बनने की ज़रूरत है, इसको सपोर्ट नहीं मिल रहा है, ये भी जो पर्सन है ये सपोर्ट खो रहा है, दिखने में दिख सकता है। जैसे कि मेरा फ्रेंड है दिल्ली का, बरेली का, पहले तो मुझसे बात कर रहा था कि भाई हाँ मेरे दोस्त से मुझे मिलते थे, मैंने कहा कि तो चलो, तो अभी कह रहा है मेरा कोई दोस्त मुझे फ़ोन ही नहीं करता। सेकेंडली बात करता था कि भाई हम लोग शाम को मिलते थे, सैटरडे को संडे को तो मिलते थे, लेकिन अभी तो हर एक को अपने जान की परवाह है तो कोई नहीं मिलेगा। नाउ वो अंडरस्टैंड कर चुका है, मतलब इतने घटिया दोस्त हैं उसके कि अभी उसको मिलने भी नहीं आ रहे हैं, फ़ोन भी नहीं कर रहे, इवन दो ही हैज़ लॉस्ट समबडी। तो इमोशनल चैलेंज से ये व्यक्ति गुजर रहा है, ठीक है। ये जो पर्सन है इमोशनल चैलेंज से गुजर रहा है, ऐसे में आपको इसको सपोर्ट करना होगा। देखो आई एम नॉट श्योर ऑफ द रिलेशनशिप आगे जाकर कैसे टर्न होगी, क्या आप लवर बनेंगे या फिर आप सिर्फ फ्रेंड बनेंगे, ये डिपेंड करता है। लेकिन अगर इसको अभी ज़रूरत है आपके साथ की, तो आप इनको अपना सपोर्ट ज़रूर दे सकते हैं, ठीक है। आई होप It could resonate. Thank you. Signing off, meaning.